हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फर्स्ट। यह आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसके 3 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और 4 वाला चैप्टर भी हमारा रीडिंग हो गया उसका, और उसको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ मैं, जिसमें हमने पढ़ा कि फूड क्या होता है, फूड हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी क्यों होता है, फूड से हमें एनर्जी मिलती है, और जो लोग ग्रेन्स प्लांट्स से जो मिली हुई चीज़ें खाते हैं उनको वेजिटेरियंस बोलते हैं, और जो लोग एग्स फिश मीट खाते हैं उनको नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा कि पूरे डे में कितनी मील्स होती हैं, तो हमने पढ़ा था 3 मील्स, जिसमें फर्स्ट होता है ब्रेकफास्ट जो मॉर्निंग में होता है, सेकंड होता है लंच जो आफ्टरनून में होता है, और थर्ड होता है डिनर जो नाइट में होता है। तो हमारा ये चैप्टर का एक्सप्लेनिंग कम्प्लीट हो चुका था और मैंने आपको ये वक्त दिया था स्पेलिंग्स और क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आज हमारी बारी है एक बार इस चैप्टर पे शॉर्ट नज़र डालने की, और उसके बाद हम इस एक्सरसाइज करेंगे। क्विक रिकैप, चलिए मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, येलो बॉक्स में ध्यान दीजिएगा। वी कैनॉट लीव विदाउट फूड। अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है और आपके पास बुक है तो प्लीज़ आप बुक यूज़ कर सकते हो। वी कैनॉट लीव विदाउट फूड, हम खाने के बिना नहीं रह सकते। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। फूड यानी खाना हमें क्या देता है, एनर्जी यानी शक्ति देता है हमें, किसके लिए, काम करने के लिए और खेलने के लिए। पीपल हु ईट प्लांट फूड आर कॉल्ड वेजिटेरियंस, यानी जो लोग प्लांटी फूड खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वेजिटेरियंस। पीपल हु ईट मीट एंड एग्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। वी टेक 3 मील्स इन अ डे, हम पूरे दिन में कितनी मील्स लेते हैं, 3। चलो बारी है हमारी एक्सरसाइज की। टिक एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। वी कैन नॉट लीव विदाउट, हम किसके बिना नहीं रह सकते। फूड हाउस या क्लोथ्स, फूड, वेरी गुड। प्लांट्स गिव अस, आपको भी सोचना है साथ साथ, और अगर आपके पास बुक है तो ये सब बुक में फिल करना है। प्लांट्स गिव अस ग्रेन्स पल्सेस वेजिटेबल्स एंड, जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमें क्या देते हैं, अनाज देते हैं, दालें देते हैं, सब्जियां देते हैं, और क्या देते हैं, मिल्क यानी दूध, या फ्रूट्स यानी फल या अंडे। दूध तो देते नहीं है, अंडे भी नहीं देते, तो क्या देते हैं, फ्रूट्स, वेरी गुड। एनिमल्स गिव अस मिल्क एग्स एंड, एनिमल्स से हमें क्या क्या मिलता है, मिल्क यानी दूध, एग्स यानी अंडे, एंड मीट यानी मांस। वी टेक ब्लैंक मील्स इन अ डे, हम पूरे दिन में कितनी मील्स लेते हैं, कितनी बार खाना खाते हैं, 3। ओके, वी हैव ब्रेकफास्ट इन द, हम ब्रेकफास्ट कब करते हैं, नाइट में, मॉर्निंग में या आफ्टरनून में, मॉर्निंग। ओके, एक्सरसाइज नंबर 2, ये देखिए क्या कह रही है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। वी नीड फूड टू ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होने के लिए और बिग होने के लिए क्या चाहिए हमें, फूड। कुक्ड फूड इज, पका हुआ खाना क्या होता है, टेस्टियर एंड हेल्दियर, यानी स्वादिष्ट होता है और उससे हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है। तो ये 1 में और ये 2 में दोनों। ओके, नंबर 3, पीपल हु ईट प्लांट फूड्स आर कॉल्ड, वो लोग जो पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ें खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, वेजिटेरियंस। क्या बोलते हैं बेटा, वेजिटेरियंस। ब्रेकफास्ट इज़ द फर्स्ट ब्लैंक ऑन द डे, ब्रेकफास्ट डे की कौन सी मील होती है, फर्स्ट मील, कौन सी होती है बेटा, फर्स्ट मील। वी हैव डिनर एट, हम डिनर कब लेते हैं, नाइट में। तो ये सब के आंसर्स थे, मैं आपको ये सब फिल करके बताती हूँ। ये देखिए मैंने फिल कर लिए हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके इन सबको लर्न करना है आपको। इस वीडियो को आपको 3 टाइम्स देखना है, पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो चलेगा, आपको ये पेज 3 टाइम्स ऊपर से नीचे तक पूरा पढ़ना है। और ये जो स्पेलिंग्स आपको ब्रैकेट में दिख रही है ब्लैंक में, 5-6 स्पेलिंग्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनको लर्न भी करना है। ओके, यही आपका होमवर्क है आज का। क्या है आपका होमवर्क, कि इनको 3 बार ऊपर से लेके नीचे तक, टॉप टू बॉटम रीड करना है और लर्न भी करना है। ओके, और अगर आपके पास बुक आ चुकी हैं, आप ले आए हो स्कूल से बुक्स, तो उसमें आपको फिल भी करना है। और इससे आगे आप अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।